जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम सभी लोगों को। और आप लोग कैसे हो दोस्तों? स्वस्थ और मस्त जरूर होंगे दोस्तों। तो सभी दोस्तों का मेरे वाड़ी ब्लॉग में स्वागत है। जैसा कि हम आप लोगों को बता रहे हैं, इस समय अपने डिस्प्ले की, कंप्यूटर डिस्प्ले की सीरीज नंबर 3 को, तो उससे पहले चलिए देखते हैं, मास्टर जी से मिल लेते हैं। फिलहाल मशीनें तो चल रही हैं इधर भी, और इधर भी मशीनें चल रही हैं, और आज मेरा कुछ लुक भी थोड़ा थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है। और मास्टर जी से मिलवाते हैं, उसके पहले आप लोग देखिए मास्टर जी कितने बिजी, ये देखिए सारा लगा के बैठे हुए। और भाई रोबिन कैसे हो? तो मैं बिजी हैं, इनको छेड़ नहीं सकता, इसलिए नहीं छेड़ सकता, ये अभी ये अपनी गिनती भूल जाएंगे, अपनी गिनती भूल जाएंगे ना, तो फिर मेरे को भी कहेंगे कि चलो भाई मेरी गिनती करवा दो, इस करके अभी इनको छेड़ नहीं सकता। वैसे तो ठीक है, बोले हैं ठीक है, बोले हो ना ठीक है, हाँ तो इस समय ये ठीक है। तो बाकी देर ना करते हुए चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं, जानकारी देते हैं कंप्यूटर मशीन की डिस्प्ले नंबर 3 पार्ट 3 में आप लोगों को बताएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0 की जानकारी। तो ये सिंपल सी जानकारी है दोस्तों, इसको आप लोग समझिए। ज़्यादा देर ना करते हुए हम आप लोगों को बता देते हैं 1 नंबर की जानकारी। 1 नंबर से दोस्तों जो ये क्वालिटी का नंबर चलता है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये जो चल रहे हैं नंबर, ये जो क्वालिटी के नंबर होते हैं, ये लगाया जाता है पल्लों में, जो कि अलग अलग होता है। जो 4 नंबर से स्टार्ट होता है पल्ले में, बाकी 3 नंबर कटाई का चलता है। तो 4 नंबर हो गया अपना जंजीरी का, 5 नंबर एक गेड़ा उसके ऊपर होता है, 6 नंबर बार्डर का होता है, 7 नंबर बार्डर के ऊपर का एक गेड़ा होता है, और 8 नंबर होता है जो पूरे पल्ले में क्वालिटी चलती है। तो दोस्तों ये 1 नंबर से निकल के आता है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं 2 नंबर के लिए। अब 2 नंबर से क्या होता है कि अब ये 2 नंबर से ये होता है दोस्तों कि जो रूलर की स्पीड होती है, उसको जो पल्ले को खींच के नीचे को ले आता है रूलर की, वो रूलर की स्पीड सेट करना होता है। तो उसी तरह जो कटाई पर सेट हुआ हमारा 22, और लगभग अमूमन सब पर ही 22 सेट हुआ है, केवल 23 और 24 को छोड़ के, इसलिए कि 23 और 24 में रैक चलती है, तो रैक में उतना ज़्यादा खींच नहीं पड़ती है। अगर खींच पड़ेगी तो सुई तोड़ देगी, या तो रैक कटने लगेगी। जो रैक का होता है या तो 5 या तो 2, यही होता है 2 नंबर 12 गेज और 10 गेज में। 8 गेज में इसको 8 भी और 10 भी चला लेते हैं। तो ये 2 नंबर से जानकारी निकल के आती है, जो कि रूलर की स्पीड को मेंटेन करती है। इसके बाद चलते हैं 3 नंबर पे। तो 3 नंबर के लिए हम, ये होता है अपने, ये भी रूलर स्टॉप फोर्स, यानी ये भी रूलर की ही जानकारी है, सेकंड रूलर की जानकारी है, जो कि आप लोगों को हम दिखा देंगे कि नीचे सेकंड रूलर जो लगा होता है उसकी जानकारी ये है। इसके बाद हम चल लेते हैं अपने 4 नंबर पे। 4 नंबर पे ये ओपन एंड क्लोज रूलर, जो ओपन एंड क्लोज रूलर होता है उसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो कि मेरे उस वाली मशीन पे दिख रहा है नीचे, जो ऐसे देखिए वहाँ पर, ये वही है रूलर और ओपन, जिसमें यहाँ हैंडल लगा हुआ, वो देखिए हैंडल लगा हुआ है। तो उसकी जानकारी इस 4 नंबर से भी निकल के आ जाती है। अब इसके बाद चलते हैं हम अगले 5 नंबर पे। तो 5 नंबर के लिए अगर चलेंगे दोस्तों, तो 5 नंबर से क्या होता है, जो स्पीड का गेड़ा ये जा रही है ना मशीन, कितने स्पीड पे जा रही है, कितने पर नहीं जा रही है, तो ये यहाँ से हमें पता लग जाता है। जैसे 1 नंबर हमारा 60 पे है, बाकी 55, 50, 45 जो 4 नंबर का लेके जाती है पहला गेड़ा होता है, वो हम कम रखते हैं, और उसके बाद वाला भी थोड़ा ज़्यादा रखते हैं। इसके बाद हमारा 6 नंबर जो बार्डर बनाती है और उसके ऊपर वाले गेड़े को थोड़ा कम रखते हैं। जब हमारा मोमन 8 नंबर जब चलेगा यहाँ पर, तो हम इसको 60 भी कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसको भी 60 कर दिया और ये 60 चलेगा, तो यहाँ स्पीड इसकी थोड़ी सी बढ़ गई है, तो ये इसकी स्पीड यहाँ बढ़ गई है, और ये हमारे पूरे पल्ले में स्पीड चलेगी। और जैसे ही 23 और 24 की बात आएगी, तो वहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाता है, जो कि रैक लेती है वहाँ पर मशीनें, तो इस करके इनकी स्पीड थोड़ा कम कर दी जाती है। तो आगे ये 5 नंबर, ये 5 नंबर से आता है दोस्तों, इसको वापस चलते हैं। ये 5 नंबर हो गया, और 6 नंबर जो होता है दोस्तों, ये 6 नंबर जो ये फिटर खड़ा हुआ है ना, जो ये वाला फिटर खड़ा हुआ है, कितने निडिल पोजीशन पर खड़ा करना है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये 1 नंबर निडिल फिटर है, और ये 7 नंबर के सुई के गैप पे खड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा इतना दूर खड़ा हुआ है इससे। इसी तरह
जो हमारा उधर चार नंबर चल रहा है उसकी भी पोजीशन सेट की, फिटर पोजीशन सेट की गई है। और इसी तरह उधर एक पीस हमारी अटेंडम लगी है, तो इसमें हमने तीन नंबर और सात नंबर राइट साइड में लगाया हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीन नंबर और सात नंबर दोनों की पोजीशन सारी यहाँ पर पोजीशन सेट करने के लिए ये छः नंबर से निकल के आता है। तो इसको हम ESC को प्रेस करेंगे, वापस चले जाएँ। दोबारा ये हम जानकारी आप लोगों को बता देते हैं कि ये जो छः नंबर होता है इससे इस फिटर की पोजीशन सेट की जाती है कि कितने पर सेट करें, क्योंकि साइड ना कटे और ना ही सुई के ऊपर खड़ के सुई का हेड तोड़े। तो ये यहाँ से सेट किया जाता है जो छः नंबर दबा के निकल के आता है। अब इसके बाद हम चलते हैं सात नंबर। ये इसलिए नहीं उठा रही है कि ये जंप लगाने के लिए काम में आता है। जो सात नंबर होता है दोस्तों, वो जंप लगाने के काम में आता है। मैं अभी इसका रोक के और दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे हमारा 300 है, अगर हमें यहीं पर कटाई डालनी पड़ गई और हमारा ये चीज़ इधर को घुमा हुआ, तो हमने क्या करना है, इसको राइट को, इसकी एरो देखिए राइट को घूम गई और ये 301 पर है, तो इसको हमने क्या करना, सात नंबर दबा के जैसे अभी हम कटाई डाल के दोबारा से स्टार्ट करें तो जंप लगाने के लिए ये हम सात नंबर प्रेस करते हैं। जंप लगा के यहाँ पर 301 भर के इसके बाद हम जब हैंडल दबाएंगे तो वो यहीं से उठा के चलेगी। तो ये सात नंबर से हम जंप लगाते हैं। जंप जिनको जिनको पता है वो हमें कमेंट करके बताइए भाई, और जिनको नहीं पता है हम वीडियो में पिछली वीडियो में बता चुके हैं, वो जाके वीडियो हमारी देखिए, वहाँ पर बहुत बड़ा थंबनेल लगाए हैं जंप कैसे लगाएं, तो वो हमने आप लोगों को बता दिया है। पर ये सात नंबर जो है जंप लगाने के काम में आता है। इसके बाद चलिए हम मशीन अपना स्टार्ट कर लेते हैं, मशीन चलते रहेगी और जानकारी आप लोगों को हम देते रहेंगे। तो यहाँ पर हम सात नंबर की जानकारी आप लोगों को बता दिए हैं, इसके बाद चलते हैं आठ नंबर पे। आठ नंबर पे हम आके ये चेक कर लेते हैं, यार्ड चेकिंग लिखा हुआ है, ये चेक करते हैं कि हमारा फिटर राइट में खड़ा है या लेफ्ट में खड़ा है। तो हमारे दोनों फिटर लेफ्ट में ही खड़े हुए हैं, जो कि एक और चार चल रहे हैं। अब यहाँ एक और चार तो शो कर दिया, यहाँ एक नंबर हो गया, और देखिए दोस्तों जो फिटर लेके जा रही है एक दो तीन चार, वो चार हो गया, तो हमें सही शो कर रही है। और ये भी शो कर रही है कि हमारा एक और चार चल रहा है। तो ये तो हो गई जानकारी आठ नंबर का। अब हम वापस आते हैं, इसके बाद चलते हैं नौ नंबर पे। तो ये रही दोस्तों नौ नंबर की जानकारी। अब नौ नंबर की जानकारी में ये सामने निकल के आ रहा है कि जो चार नंबर फिटर लगा हुआ है वो किस फिटर के नीचे लगा हुआ है। तो जो चार नंबर का फिटर, वो पाँच नंबर फिटर के नीचे चार नंबर लगा दिया गया है, और जो एक नंबर फिटर यहाँ इसके नीचे लगना चाहिए तो वहाँ पर आठ नंबर फिटर दिया गया था, तो हमारे पास हमने एक नंबर फिटर को यहाँ पर लगा दिया, इस करके आठ के नीचे एक लगा दिया है। तो ये भी जानकारी कैसे लगाते हैं आप लोगों को पता लग जाएगा। इसको हम ऐसे प्रेस करेंगे, अभी तो नहीं बता पाएंगे, मशीन चल रही है, नहीं तो ऐसे ही प्रेस करते तो यहाँ पर ये जानकारी आ जाती जितना फिटर बदलना चाहें। यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ तक जो मर्जी फिटर लगा सकते हैं यहाँ लग जाएगा, जैसे यहाँ फिलहाल लगा हुआ है। ये जानकारी नौ नंबर से है। इसके बाद हम आते हैं जीरो नंबर। जीरो नंबर से हमें ये पता लगता है कि चार और एक हमारी इधर साइड पे चल रहा अटेंडम पल्ला बन रहा है। जीरो से अटेंडम पल्ला किया जाता है, और यहाँ से ये देखिए यहाँ किया गया है, ये जीरो से अटेंडम पल्ला के लिए फिटर लगाते हुए चले आएंगे और निकल के सामने आता है। तो चार और एक लगा हुआ है, तीन और सात लगा हुआ है, जो कि हम आप लोगों को दिखा सकते हैं। ये देखिए तीन नंबर है और ये देखिए सात नंबर है, और ये पल्ला अटेंडम चल रहा है। तो ये हो गई जीरो की जानकारी। इसको हम दोबारा आप लोगों को बता देते हैं कि ये जीरो से यहाँ पर निकल के आता है मल्टी पीस सेटअप। मल्टी पीस सेटअप जीरो से निकल के आता है, जो कि हम अटेंडम पीस में इस्तेमाल कर सकते हैं जीरो का। तो ये रही एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और जीरो की जानकारी। तो दोस्तों हमारी ये जानकारी कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम तो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, नॉर्मली एक जानकारी जो कि डीप इनकी जानकारी है और गहरी जानकारी है, लेकिन ऑपरेटर के लिए एक नॉर्मल जानकारी इसलिए बता रहे हैं कि जो ऑपरेटर है कई बार क्या होता है कि नॉर्मल जानकारी में भी वो उलझ चुका होता है, लेकिन नहीं, ये नॉर्मल जानकारी है, इससे आप देखिए करिए समझिए और आगे आप लोगों को आपके सीनियर खुद ही बताते रहेंगे कि कैसे क्या होता है कैसे क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी बड़ी ना हो इसलिए इस वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा दूं कि जो एक थोड़ी सी एक चीज़ आ रही है यहाँ पर, ये आप लोग देखिए ऐसी आ रही है। इसका एक कारण है कि यहाँ पर जो होता है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ये क्यों आता है और ये कैसे आता है। तो आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ पर मेरे हाथ पर आप लोग देखिए, और ये चीज़ है हमारी ये वाली,
ये शायद आप लोगों को दिख जाएगी, तो ये वाली ये चीज़ आप लोगों को दिख जाएगी। यहाँ पर नेट नहीं कराई हुई है, ये देखिए, ये यहाँ पर नेट नहीं कराई हुई है, ये देखिए मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये नेट नहीं कराई हुई है, यहाँ पर ये कुंडा फॉल्ट रखी हुई है। जब ये कुंडा फॉल्ट रखी है, यहाँ पर ये नेट नहीं कराई है, तो इसको हम क्या करते हैं, चलते हैं बदल देते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं ये किस चीज़ का चक्कर पड़ता है। ये तो ऐसे ही मशीन में आ गया था, मैं आप लोगों को पीछे से दिखाता हूँ कि ये ऐसा क्यों करती है मशीन। और देखिए दोस्तों, ये ऐसा क्यों करती है मशीन, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये वाला, ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को पता लग जाएगा, यहाँ पर इसका फॉल्ट है, इस नंबर जैक का फॉल्ट है, इस करके वो पीछे आ रहा था जो आप लोगों को मैं दिखाया हूँ अभी। दोस्तों सारी साफ़ सफाई हो चुकी है और मशीन की भी सफाई कर ली है और ये मशीन अपना बना के खड़ गई भी है। और ये देखिए यहाँ जो सारा खलेरा मचा हुआ था ना, ये सारा साफ करके बांध के रख दिया गया, उधर ये मुठा बांध के रख दिया गया, इधर का अभी इधर पड़ा हुआ है। तो हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और मैं मास्टर जी इधर आओ भाई, हम लोग अभी इधर आते हैं ना तो गोरे हो जाते हैं, जब इधर आते हैं तो गोरे हो जाते हैं ना। तो हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और आप कुछ कहना चाहते हैं, ये नहीं कुछ कहना चाहते हैं, कहते हैं क्या है बोलिए, आज ना लंगर लगा है, है? लेकिन मार खाने वाला लंगर लगा, खाना खाने वाला नहीं। चलिए कोई बात नहीं है, तो हमारी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो आई होप आप लोग हमारी इस 9 या 0 तक की जो भी जानकारी है आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ जाएगी, नॉर्मली जानकारी है दोस्तों। तो चलिए देर ना करते हुए आप सभी लोगों को करते हैं बाय बाय दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भाई जो लोग नए हैं दोस्तों, पहली बार जो आते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट भी करें, आगे भी जानकारी आप लोगों तक पहुँचेगी। और जानकारी नहीं पहुँचे सॉरी यार दोस्तों, जितनी नॉर्मली जानकारी वो हम आप लोगों को बता देते हैं। तो चलिए दोस्तों हम करते हैं बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ मास्टर जी, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम कर दें। ओके, तो बाय बाय दोस्तों।